करनाल के न्यायिक परिसर में लोक अदालत लगाई गई, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामले आपसी सहमति से सुलझा दिए गए। यहां हम आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से दोनों पार्टियों को साथ बिठाकर आपसी सहमति से सभी मामले निपटाए जाते हैं। इस मौके पर बैंक संबंधी, इंश्योरेंस से संबंधित व अन्य मामले लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिनमें अधिकतर मामलों को मौके पर ही आपसी सहमति से निपटा दिया गया। वहीं दूसरी ओर कश्यप राजपूत धर्मशाला मॉडल टाउन में कश्यप समाज के गणमान्य व्यक्तियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद एवं वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी के शहादत दिवस को 25 जुलाई को मनाने का फैसला किया गया, जिसमें सभी वर्गों के लोग भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यह जानकारी एकलव्य सेना के संचालक एवं फूलन देवी के पति उमेद सिंह कश्यप द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि फूलन देवी की शहादत को समाज हमेशा याद रखेगा और सरकार से मांग करेगा कि सोनीपत से लेकर अंबाला तक जीटी रोड पर फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित की जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कश्यप समाज के लोग व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 25 जुलाई को गरीब शोषित महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली वीरांगना फूलन देवी जी का शहीदी दिवस है 25 जुलाई। उसी के लिए ये सभी गरीब समाज के लोग, खासतौर से कश्यप समाज के और बैकवर्ड समाज के लोग, SCBC के लोग मिलकर के इस दिन यहाँ पर एक शहीदी दिवस का कार्यक्रम करेंगे। उसमें पूरे प्रदेश से और पूरे देश से मुख्य लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। उसी की तैयारी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। किस बैनर तो बना रही है? ये सब SCBC बैनर है और कश्यप समाज का बैनर है और फूलन देवी ने जो एकलव्य सेना बनाई थी उसका बैनर है, मतलब सब फूलन एकलव्य सेना सब मिलकर कर रहे हैं इसमें।